मॉर्निंग 8 क्लास, क्या हाल आप लोगों के? जो कुछ आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान है और इसमें अपन इतिहास का पोर्शन सबसे पहले पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का पोर्शन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो चैप्टर 1 लेसन में है, कब, कहाँ और कैसे, और इसमें मैंने आपको कहा था कि इतिहासकार या जो अंग्रेजी शासनकाल में जो जो चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है, इतिहास जो है वो इन चीज़ों के बारे में हमेशा पता लगा देता है कि कौन सी घटना कब हुई, कौन सी घटना कहाँ हुई और कौन सी घटना कैसे हुई, किस प्रकार हुई। तो इन सब चीज़ों का पता जो है वो इतिहास के माध्यम से लग सकता है। ये एक बहुत ही उपयोगी विषय है और इसको जो है, क्योंकि प्राचीन काल में कितनी सारी घटनाएँ घटित हुई, तो वो आपको एक ही सब्जेक्ट बता सकता है, वो इतिहास है। तो सामाजिक विज्ञान का एक विशेष पार्ट जो है इतिहास के अंतर्गत आता है। हम लोग आज जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये रहेगा कि अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। पहली बात तो क्या अधिकृत रिकॉर्ड्स होता क्या है। अंग्रेजी शासनकाल में क्या होता था कि हर चीज़ पत्रावली के रूप में और लेखन के रूप में जो है रिकॉर्ड्स के रूप में रखी जाती थी। चाहे वो जैसे अंग्रेजी शासन या सरकार में कोई भी किसी प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है, या किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती थी, या किसानों से लगान वसूल किया जाता था, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो अंग्रेज क्या करते थे कि अपने रिकॉर्ड्स में रखते थे। लेकिन प्रश्न क्या है, रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है? देखिए, क्या पता नहीं चलता है, हम रिकॉर्ड से सिर्फ ये जान सकते हैं कि अंग्रेज लोग क्या सोचते थे, या उनके काल में या उनके अधिकारी क्या सोचते थे, वो किस प्रकार से जो है जनता के बारे में निर्णय लेते थे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनको लगता था। तो उनकी सोच के माध्यम से ही उनका लेखन हमें पता चलता था, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता था कि उसके अलावा भारतीय लोग या वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के आम लोग क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, या भारत का मध्यम वर्ग किस प्रकार सोचता था, इसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, या इनके जीवन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था। हालांकि अंग्रेजी शासनकाल में जितने निर्णय हुए और आज हम लोग जब आधुनिक काल पढ़ते हैं, हम लोग जब अंग्रेजी शासन को पढ़ते हैं, हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, हम लोग जब अंग्रेजी गवर्नर जनरल के अलग अलग शासनकाल पढ़ते हैं, चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, चाहे वो लॉर्ड रिपन हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नर हैं जिनके बारे में हम लोग अंग्रेजी रिकॉर्ड्स के माध्यम से जानते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतिहास जो है वह कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स के आधार पर जब लिखा जाता है तो वह उनकी ही सोच नजर आती है, और हमें क्या पता नहीं चल पाता है, ये प्रश्न है, तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि आम व्यक्ति क्या सोचता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हमें चीज़ों को पढ़ना है तो सरकारी रिकॉर्ड्स को हम बात कर चुके हैं, हमें कई रिकॉर्डों में आत्मकथाओं के माध्यम से बताया अपने जीवन के बारे में, कई विद्वानों ने कहानियों के माध्यम से लोगों के चरित्र और सामाजिक जीवन और उनके संघर्षों को बताया, कुछ विद्वानों ने यात्रियों के संस्मरण या यात्राओं के संस्मरण को लिखकर इसके माध्यम से हमें आम जीवन के बारे में बताया, अखबार के माध्यम से भी हमें आम जीवन जनजीवन की समस्याएं जो हैं वह पढ़ने को मिलती थी, और आज अगर उसको रिकॉर्ड के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं शायद भलीभांति हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आत्मकथाओं की बात करते हैं कि आत्मकथाएं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने जीवन काल में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिन चीज़ों से उनको प्रभावित हुआ है, जिन लोगों से उनका संबंध रहा है, ठीक है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने आत्मकथा में लिखता है, अपने जीवन के संघर्षों को लिखता है, अपनी उपलब्धियों को लिखता है, और वो जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। जैसे मैं महात्मा गांधी के बारे में बताऊं तो उन्होंने जो है वो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, हिंद स्वराज लिखी हैं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, और राजा राममोहन राय हुए, बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने काफ़ी सारी आत्मकथाएँ लिखी। साथ ही दूसरा जो पॉइंट है वो है कहानियाँ, तो कहानियों में आप मुंशी प्रेमचंद का नाम जो है काफ़ी सुना होगा आपने हिंदी विषय में भी। इन्होंने कहानियों के माध्यम से समाज के चित्रण को, समाज के कई पक्षों के चित्रण को बताया था, जिसमें गोदान जैसी उनकी कृति है, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहानियों के माध्यम से हम लोग महिला
माध्यम था कहानियों के माध्यम से। यात्रियों का जो संस्मरण है इसमें कई यात्रा संस्मरण ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है कि गाँव का जनजीवन कैसा है, शहरी जनजीवन कैसा है, शहरों में व्यक्ति कैसे अपना रोजगार हासिल करता है, वो सारा हम लोग यात्रियों के संस्मरण से हम लोग जान सकते हैं, हम लोग उसकी पहचान सकते हैं। ठीक है, साथ ही अंतिम जो है वर्तमान, वर्तमान में भी आप लोग इस चीज़ से भलीभांति परिचित हैं और आप लोग पढ़ते भी होंगे। देश और दुनिया की घटनाएं अगर हमें जाननी है या हमें बीते काल की कुछ चीज़ें भी जाननी है तो वो भी हमारे पाठ के माध्यम से मिल सकती है। कुछ पुराने अखबारों को अगर आप टटोलेंगे तो शायद आपको ये लग जाएगा कि हमारे देश में जो घटनाएं घटित हो गई है वो किस प्रकार घटित हुई, तो हमें वो उसके माध्यम से जानकारी मिल सकती है। तो ये स्रोत हैं जिनसे हमें आम जनजीवन की सोच का पता चलता है और हमें इन रिकॉर्ड से सरकार का पता नहीं चलता है। तो विद्यार्थियों हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अधिकतर रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है। तो हमें मैंने आपको बताया कि वो जानकारी नहीं पता चलती है जो सरकारी रिकॉर्ड्स के अलावा होती है। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड्स के अलावा जो चीज़ें हैं वो हमको पता नहीं चल सकती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लें, चाहे वो आत्मकथा है, चाहे कहानी है, यात्रियों का संस्मरण है, या अखबार के माध्यम से अगर हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल होती है, तो हम लोग इस दूसरी चीज़ों को के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम आम जनजीवन की सोच क्या है इसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरह जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इन लोगों के प्रयासों से हमने जो है वो इन चीज़ों को जाना है। ठीक है, क्योंकि उपन्यासकार, लेखक, ये तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्होंने जो है वो अलग अलग रचनाएं रची हैं, अलग अलग ग्रंथों का निर्माण किया, रचनाकार हैं। कवियों के माध्यम से हमें कई सारी कविताएं या कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि भारतीय सामाजिक जीवन या भारतीय काल में या भारतीय आधुनिक काल में जो है किस प्रकार से इनकी घटनाएं जो है घटित हुई हैं, ये हमें विभिन्न कवियों की रचनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है। तो कवियों में आप कई कवियों के नाम जो है वो जान सकते हैं। कई कवि ऐसे हुए चाहे वो अजय प्रसाद द्विवेदी हुए, हरिवंश राय बच्चन हुए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से जो है वो, उसके साथ ही उपन्यासकार। अब उपन्यास होता क्या है, यह हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो एक पूर्ण रूप से सामाजिक परिवेश का एक ऐसा चित्रण होता है जो उपन्यास के माध्यम से हमें विभिन्न खंडों में विभाजित करके समझाया जाता है। जो उपन्यास लेखन करता है उसको उपन्यासकार कहा जाता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग जो है विशेष रूप से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन या उन कुछ पात्रों को लेकर जो है वो रचने वाला जो इतिहास है या रचने वाली जो घटना है वो उपन्यास होती है। अब अगला जो है वो लेखक, लेखक यानी लेखन करने वाला। ठीक है, तो विभिन्न इन सब कवियों, उपन्यासकारों या यात्रा संस्मरण करने वालों, लेखन करने वालों या अखबार में जो सूचनाएँ लेखन करते हैं, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनके माध्यम से भी हमें जो है वो इन कहानियों का, इन जानकारियों का जो है वो चित्रण प्राप्त होता है। तो इस पाठ का ये अंतिम टॉपिक है कब कहाँ कैसे है कि अधिकतर रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है, ये विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसको आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजी शासनकाल में किस प्रकार से सर्वेक्षण होता था और उस सर्वेक्षण से रिकॉर्ड्स तैयार होते थे और उन रिकॉर्ड्स के माध्यम से ही कई चीज़ें जो है इतिहास में शामिल की गई है, आपको विभिन्न कालखंडों में बांट कर पढ़ाया जाता है। मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में बताया था कि इतिहास को जो है तीन कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले प्राचीन काल, ठीक है, दूसरा जो काल है वो मध्य काल है,
मैंने आपको ये समझाया था कि क्योंकि इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है और इसको पढ़ने के लिए आसानी के लिए जो है वो तीन काल के रूप में बांटा गया है, ठीक है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अब इन तीन कालों के माध्यम से हम जो है वो मानव की जैसे मानव की सभ्यता की शुरुआत प्राचीन काल से होती है और फिर धीरे धीरे इनका विकास होता है, विकास होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर गुप्त साम्राज्य, मौर्य काल, इस प्रकार के काल आते हैं। उसके बाद जब मिडिल जो ये जाता है हिस्ट्री का मध्यकाल कहलाता है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे शासक आए थे जो बाहरी आक्रमणकारी थे, ठीक है, चाहे सल्तनत काल की बात करें जिसमें बहुत सारे ऐसे शासक हुए सुल्तान के शासक हुए, उसके साथ ही मुगल काल आरंभ होता है जो बहुत ही लंबे समय तक भारत पर शासन करता है। मुगल काल में पहले राजा बाबर हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको सबसे पहले प्राचीन काल के बारे में बता दूँ कि प्राचीन काल में बहुत सारे युग भी इसमें आए, जैसे पूरा पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब इसमें देखिए आप पूर्व पाषाण युग में जो है मानव आदि मानव के रूप में विचरण करता था जंगलों में और उस समय वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, वह धीरे धीरे जो है विकसित हुआ। पूर्व पाषाण युग में सिर्फ पत्थरों के औजार बनाता, उसे शिकार करता, कच्चा मांस खाता और इस प्रकार से जो है उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन को चलाना शुरू किया। साथ ही उनकी बुद्धि का पूर्ण रूप से यहाँ विकास नहीं हो पाया, गुफाओं में वो रहते थे और चमड़े की खाल को वस्त्र के रूप में उपयोग में लेते थे, ठीक है। फिर मध्य पाषाण युग जब आता है तब उन्होंने आग का आविष्कार जान लिया, आग के आविष्कार से उन्होंने भोजन पकाना शुरू कर दिया और कच्चा भोजन खाना बंद कर दिया। साथ ही शिकार करना जो कम किया, आग से जो है उन्होंने सर्दी से राहत पाई और साथ ही जंगलों में जो है वो खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए आग का उपयोग लिया। अब नवपाषाण युग जो है वो ये माना जाता था कि इस युग में जो है वो व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए जो वर्तमान में भी आपको मिलते हैं, जैसे मध्य पाषाण में ही पहिए का आविष्कार हो गया, नवपाषाण में पहिए के आविष्कार से जो है मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उसमें उनका भोजन बनाना शुरू हो गया। साथ ही नवपाषाण युग में दो महत्वपूर्ण विकास हुए, कृषि और पशुपालन। मानव को जब कृषि करना आ गया, जब भूमि का अर्थ उनको पता चल गया कि यहाँ पर बोने से जो है फसलें उत्पन्न होती है तो कृषि करना आरंभ कर दिया। साथ ही पशुपालन, जब उन्हें ये पता चल गया कि पशुओं से दूध, दही और इन प्रकार की चीज़ों का लाभ लिया जा सकता है तो उन्होंने पशुओं को मारना बंद कर दिया, उनका शिकार करना बंद कर दिया। और कृषि और पशुपालन ये मुख्य रूप से दो व्यवसाय जो है वो विकसित हुए। तो ये तीनों जो युग हैं ये प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने आपको क्या कि एक सभ्यता है हमारे भारत में जो इसी काल में थी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मतलब क्या है? सिंधु नदी के किनारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अब सिंधु नदी के किनारे कई नगर बसे हुए थे जो भारत के अंदर थे, कई नगर ऐसे भी थे, ज़्यादातर नगर जो है वो भारत के अंतर्गत है, कुछ ऐसे नगर भी थे जो पाकिस्तान में आए। जैसे मैंने दो नगर आपको मुख्य बताए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही नगर सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर माने जाते हैं और इन दोनों नगरों को वर्तमान पाकिस्तान में बावली। पहला हड़प्पा जो है वो 1901 में इसकी खोज हुई, दयाल शाह ने इसकी खोज की थी और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, राजा दास बनर्जी ने इसकी खोज की। आप लोग नोट कर लें, दयाल शाह राजा दास बनर्जी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की खोज की गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नगर ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जैसे कालीबंगा है, ठीक है, और लोथल है, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। तो ये विशेष चीज जो है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इतिहास जो है वो आपको बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में, प्राचीन काल के बारे में बताता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वो है वैदिक सभ्यता। तो ये भी महत्वपूर्ण सभ्यता है। वेदों का अध्ययन, कितने वेद माने गए? चार। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, यजुर्वेद
इनके माध्यम से भी पूर्ण रूप से इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इस तरीके से जो है वो प्राचीन काल में बहुत सारी चीजें, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, फिर उसके बाद मौर्य काल, फिर गुप्त काल, आगे कई ऐसे शासन हैं जिन्होंने भारत पर राज किया, भारत में अपने साम्राज्य स्थापित किया। मध्यकाल में बहुत सारे मुगल वंश जो है यहाँ स्थापित हुए और आधुनिक काल में अंग्रेजों ने अपना शासनकाल यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, इसी प्रकार